बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट के न्यूमेरिकल 8 को डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि अ वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट इट्स वॉचेस गेन और लूज नॉट मोर देन 10 सेकंड्स इन अ ईयर। हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने के बाद फर्स्ट हेडिंग हमारे पास वही गिवन डेटा की हो जाएगी और जो कुछ न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है को हम गिवन डेटा की हेडिंग के अंदर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले वो हमसे कह रहा है कि अ वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट इट्स वॉचेस gain or lose not more than 10 seconds in a year। प्रॉब्लम के अंदर बताया जा रहा है कि एक वॉच फैक्ट्री जो है वो क्लेम करती है कि उसकी वॉचेस जो है वो गेन और लूज नहीं करती not more than 10 सेकंड्स इन अ ईयर। गेन और लूज शो करता है अनसर्टेनिटी को, तो अनसर्टेनिटी को हम शो करेंगे डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 10 सेकंड्स। नेक्स्ट उसने टाइम पीरियड के बारे में बताया कि टी इज इक्वल टू 1 ईयर। 1 ईयर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स के अंदर, तो 1 ईयर के अंदर 365 डेज होता है और 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 into 3 65 into 24 into 60 into 60। रिजल्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31.53 into 10 is power 6 seconds। तो टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स के अंदर। उसके बाद टू फाइंड की हेडिंग में परसेंट एक्यूरेसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा परसेंट एक्यूरेसी इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100%। आपको मालूम है जब भी परसेंट फाइंड करते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग सॉल्यूशन की हो जाएगी। फॉर्मूला दोबारा पुट करेंगे, परसेंट एक्यूरेसी इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100%। उसके बाद डेल्टा टी और टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, तो डेल्टा टी था हमारे पास 10 सेकंड्स और टाइम था 1 ईयर। 1 ईयर को हमने कन्वर्ट कर लिया था सेकंड्स के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 31.53 into 10 is power 6 सेकंड्स। नेक्स्ट स्टेप में 1 ईयर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो परसेंट एक्यूरेसी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 31.53 into 10 is power 6 into 100%। 10 को जब हम 31.53 into 10 is power 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी परसेंट एक्यूरेसी इज इक्वल टू 3.170 into 10 is power -7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा परसेंट एक्यूरेसी इज इक्वल टू 3.17 into 10 is power -5%। यही इसका आंसर है और यही बुक में गिवन है।